हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार, स्वागत करता हूं आपका रोज पोस्ट स्किल्स में। तो आज मैं आपको ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की अटल बीमित व्यक्ति योजना के स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं। इस योजना के तहत अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और अगर किसी कारणवश आपकी जॉब चली जाती है तो इस ESIC के योजना के तहत केंद्र सरकार आपको 2 साल यानी 24 महीने तक पैसे देगी। आपको बता दें कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC अटल बीमा कल्याण योजना के तहत नौकरी जाने पर फाइनेंशियली मदद देती है। ESIC ने इस बारे में एक ट्वीट करके जानकारी दी है, तो वो ट्वीट देख लेते हैं पहले कौन सा है। तो इस ट्वीट में देखिए क्या लिखा हुआ है, कामगारों को राहत, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ESIC अधिनियम 1948 के अंतर्गत व्यापक कामगारों के लिए लाभप्रद योजना। बीमाकृत व्यक्ति के बेरोजगार होने की स्थिति में और नए रोजगार की तलाश के दौरान नगद राहत राशि का सीधे बैंक खाते में भुगतान। इसके लिए बेरोजगारी के पूर्व 2 वर्षों में प्रत्येक अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान किया गया हो। तो इसका मतलब ये है कि अटल बीमा कल्याण योजना के तहत आपकी नौकरी जाने पर या किसी कारण से नौकरी से निकाल दिया गया हो तो केंद्र सरकार की ओर से आपको सहायता दी जाती है। तो अगर आप इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ESIC के वेबसाइट पे जाना होगा। ये ESIC का वेबसाइट है, आप नोट कर लीजिए। एड्रेस क्या है इसका, www.esic.nic.in। यहां से आपको अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड करना होगा। आइए देखते हैं फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको टाइप करना है ESIC अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ठीक है, ये आपको टाइप करना है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने ये रिजल्ट ओपन होके आएगा। इसमें आपको यहाँ पे जाना है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, यहाँ ये है ESIC का वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे लिखा हुआ है ESIC सर्कुलर। इस पेज पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद ये पूरा पेज ओपन होके आएगा। इसमें देखिए पूरा सर्कुलर है ये, इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी जो भी आपको फिल करना है। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ देखेंगे आपको पेज नंबर 7 से लेके पेज नंबर 8 तक ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। इसको आपको प्रिंट ले लेना है और इसको फिल करना है। तो इस फॉर्म को भरने के बाद आपको ESIC के किसी भी नजदीकी ब्रांच में जाना होगा। फॉर्म के साथ 20 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से एफिडेविट कराना होगा। तो फॉर्म के साथ इस डॉक्यूमेंट को अटैच करके इसको जमा करना होगा। अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना के लिए मोदी सरकार जल्दी ऑनलाइन सुविधा भी शुरू करने वाली है, तो आप इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। बट वो अभी ऑनलाइन वाला लिंक अभी आया नहीं है, तो इस जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा। आपको बता दूं कि इस योजना का फायदा आप एक बार ही उठा सकते हैं, और आपको ये भी बता दूं कि इस योजना का फायदा 3 तरह के लोग बिल्कुल नहीं उठा सकते। अगर किसी व्यक्ति को गलत आचरण की वजह से ऑफिस से निकाला गया हो तो वो इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता, या अगर किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामला दर्ज हो वो भी इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता है, या अगर किसी व्यक्ति ने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ली हो, जी हाँ, जिन्होंने अपनी मर्जी से भी रिटायरमेंट ली वो भी इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।